कोरोना के दैनिक मामलों में पिछले दो दिनों से लगातार कमी देखी जा रही है। रविवार और सोमवार के बाद अब मंगलवार को भी देश में कोविड 19 के दैनिक मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में देश में 9,110 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1.08 करोड़ से पार चला गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में 9,110 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,08,47,304 हो गया है। यही नहीं, पिछले 24 घंटों में 78 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपना दम तोड़ा है। पिछले 24 घंटों में 78 मरीजों की मौत के बाद देश में मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,55,158 हो गया है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को कोरोना के दैनिक मृतकों की संख्या में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 14,016 मरीज वायरस से ठीक होकर अपने घर वापस लौटे हैं। अब तक देश में 1,05,48,521 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। हालांकि 1,43,625 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि कई दिनों से देश में कोरोना के सक्रिय मामले 2,00,000 से कम आ रहे हैं। वहीं बात करें टीकाकरण अभियान की, तो देश में अब तक 62,59,008 लोगों को कोरोना वायरस का टीका लग चुका है। 16 जनवरी से शुरू हुए इस देशव्यापी टीकाकरण में अब तक 62,00,000 से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। सोमवार तक वैक्सीन लेने वाले लोगों का आंकड़ा 58,12,362 हो गया है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।